नेवर गिव देम ऑप्शन, लड़कियों को भी ऑप्शन नहीं देना चाहिए। देखो हम बातचीत करते करते लड़कियों से पूछ लेते हैं, फलानी चीज़ खाओगी या नहीं, क्लास में आओगी या नहीं, प्यार करती हो या नहीं, अपना नंबर दोगी या नहीं, मिलोगी या नहीं। देखो तुम ऑप्शन दे रहे हो, और जब तुम दो ऑप्शन देते हो तो वो उसमें से कोई एक चुनेगा, और ज़्यादातर लोग ऑप्शन ना का चुनते हैं, ऑटोमेटिकली लड़कियों का दिमाग ऐसा ही होता है। लेकिन जब तुम किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपते हो, चाहे थोड़ा सा ही थोपो, तो वो चीज़ उसे करना ही पड़ता है। जैसे तुमने किसी को आज़ादी दे दी कि तुम्हारा चुनाव है, तुम कोई भी फैसला ले सकते हो, तो वो वही चुनते हैं जिसमें उनका फ़ायदा हो, जो उनके लिए आसान हो। मान लो तुम सड़क से गुजर रहे हो, कोई बंदा तुम्हारे पास आता है और कहता है हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, 100 रुपये की पर्ची कटानी है तो कटाओ, नहीं तो नहीं कटा तो भी चलेगा, क्या तुम कटाओगे? नहीं ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं अपना नंबर दोगी? तुम पूछ रहे हो दोगी या नहीं, सीधे सीधे ये बोलो अपना नंबर दो, मैं मैसेज करूँगा, कॉल नहीं कर पाऊँगा। दूसरी बात से ही लड़की के दिमाग में ये आता है कि फ़ोन नहीं करेगा, मैसेज करेगा। अगर तुम लड़की को ऑप्शन दोगे तो समझो गई वो हाथ से। तुम लोगों को जब आज़ादी देते हो कि तुम्हारा चॉइस है, तुम कोई भी चीज़ चुन सकते हो, तो वो वही चीज़ चुनते हैं जिनमें उनका फ़ायदा हो। जाहिर सी बात है, वो तुम्हारा फ़ायदा क्यों चुनेंगे? मैं कहता हूँ आई लव यू कहने से बचो। क्यों? क्योंकि आई लव यू एक सवाल पैदा करता है, डू यू लव मी? आई लव यू बताता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। अगर तुम किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाओ और कहो मुझे तुम्हारा टीवी चाहिए, क्या वो दे देगा? नहीं ना। सामने वाले का फ़ायदा दिखाओ, ऑप्शन मत दो। बिल्कुल उसके उल्टा तुमको चालाकियाँ कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी लड़की का फ़ोन नंबर चाहिए हो तो उससे कह सकते हो क्या आपके पास फ़ोन है? और आजकल किसी के पास फ़ोन ना हो तो बड़ा इंसल्टिंग सा फील होता है। जाहिर सी बात है वो कहेगी हाँ ठीक है अपना नंबर दो यार। जैसे ना कहने वाले लोग तुम्हें ना ही कहते जाते हैं, वैसे ही हाँ कहने वाले लोग तुम्हें हाँ ही कहेंगे। ये कहना असभ्यता मानी जाएगी कि मैं नंबर नहीं दूंगी। और एक बात देख लो, अगर तुम्हें लड़की मना कर रही है तो इसमें टोटली तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम उतना इंप्रेशन बना ही नहीं पाए, तुम उसका दिल जीत ही नहीं पाए, तुम उसे कॉन्फिडेंस में ले ही नहीं पाए। तुम्हारे बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, या तुम शक्ल से चोर डाकू या बहसी दरिंदे लगते हो जो लड़की मना कर रही है कि मैं नंबर नहीं दूंगी। हमें पहले कंफर्टेबल जोन क्रिएट करना है, जिससे लड़की को लगे कि नंबर देने में क्या जाता है यार, इतना अच्छा लड़का है, परेशान नहीं करेगा, बातचीत ही करेगा। पहले तो अच्छे से फ्रेंडली जोन क्रिएट करो, प्यार को एक कोने में रख दो। दूसरा और एक तरीका है, लड़की से उसका फोन लेकर अपना नंबर डायल कर दो। ये जबरदस्ती का तरीका है, लेकिन लड़की इसे पसंद करती है। तुम इसके साथ ये भी कह सकते हो कि तुम्हारा नंबर आ गया है, मैं अब तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। वो समझ जाएगी तुम मजाक में कह रहे हो, तुम उतना ज्यादा परेशान नहीं करोगे। तो कभी लड़की को ऑप्शन मत दो, या तुम ऐसे दो ऑप्शन दे सकते हो जिसमें तुम्हारा ही फायदा हो। वीडियो को लाइक करो, ऑप्शन के बारे में कुछ बढ़िया आइडिया हो तो कमेंट करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे को दबा दो। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ।